रामचरितमानस की एक चौपाई है, एक पंक्ति है, भय जो हो गए हैं, भय जे अहही जे हो ही आगे, जो आगे होने वाले हैं, प्रणवम सब ही कपट सब त्यागे। इन सभी को ऋषि पंचमी के पावन दिन पर मैं प्रणाम करता हूँ। प्रतिवर्ष आप सभी आदरणीय विद्वत वृंद की सद्भावना स्थान पर है, उसी के कारण ये संस्कृत सत्र 18 साल की यात्रा कर चुका। अवार्ड तो एक बहाना है, हमारे मन में तो यही एक भाव है कि हम आपके चरणों में किसी न किसी बहाने प्रणाम करें। मुझे दीक्षित दनकोरी का एक शेर याद आ रहा है कि शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो उसे रिझाना है। आप प्रसन्नता, आप कितना स्नेहादर करते हैं इस शरीर ये मेरे पर। एक क्षण तो मुझे ये लगा कि मेरे परम स्नेही आदरणीय बलदेवानंद सागर जी जो भाव प्रकट कर रहे थे, मुझे एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि वाचस्पति अवार्ड मुझे मिलने वाला है। मैं एक क्षण ब्रह्म में रहा, लेकिन तुरंत ब्रह्म निरसन हुआ गुरु कृपा से कि मुरारी बापू आपने कोई दिवस न मिले। ये आपका प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये हमारे कैलाश आश्रम के आध्यात्मिक नाते आपकी तलगाजरड़ा के प्रति जो पुरातन प्रीति है उसी का ये भाव था। सब बातें यहां कही गई है, सभी विद्वान वक्ताओं ने 2 महीना 3 महीना स्वाध्याय करके 45 मिनट में उसका सार आप सभी ने हमें प्रदान किया, हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। प्रणाम के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं। काकभूसुंडी ने जब सब कुछ कह दिया खगराज गरुड़ को, तब गरुड़ उसका प्रतिभाव देते हैं तो कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, हे बुद्ध पुरुष मैं आपका प्रति उपकार क्या करूं, क्योंकि सन्मुख होई सकत न मन मोरा, मेरा मन भी आपके सन्मुख नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या क्या कहें, लेकिन मैं श्रवण भक्ति कर रहा हूं और हृदय भर के सबको सुन रहा था। और वसंत भाई, हम यदि विषयी हो तो विषय पर रहने की जरूरत है। हम यदि साधक है तो विषय की ऐसी तैसी, चाहे थोड़ा स्पर्श हो न हो, ज्यादा हो न हो, ये मंच सबके लिए परिपूर्ण सद्भावनापूर्ण स्वातंत्र्य देता है। लेकिन
ये संवाद होना चाहिए, ये विवाद नहीं होना चाहिए। तो सब अद्भुत बोल रहे थे। मेहता साहब ने सबसे पहले प्रारंभ किया यज्ञ विज्ञान, और आदरणीय भाणदेव जी ने गुजराती में, मुझे हिंदी में बोलने लगा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में बापू बोलिएगा, तो और हिंदी मेरा थोड़ा पक्का भी हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ तो मुझे गुजराती में ही कहना पड़ेगा कि आदरणीय भाणदेव जी है, चल भाई आपने काले पांथिये पांथिये तेल नाख्यो। हमारे गुजरात में सौराष्ट्र में कहता है कि एक अच्छी माँ अपनी बालक को, बेटी को, बेटा हो बेटी, गोद में बिठाकर जब तेल डालती है मस्तक के बालों में, तब पांथिये पांथिये तेल नाखे, एमां जे टोलो आवे एने मारी नाखे। आ बधु टोलो बोलो एनू हिंदी नहीं थाय, इंग्लिश की मुझे खबर नहीं है कि टोला क्या है, लीख क्या है, जू क्या है। आ केमिकल्सों ने हमारा आनंद बिगाड़ दिया, क्यों है केमिकल्स आ गए, न टोला रहा, न लीख रही, न जू रही, जीवन का बचपन का आनंद ही खत्म हो गया। इस बहाने माँ उंगलियां घुमाती रहती थी सिर पर, वो ममता की। मुझे कवि दादल याद आता है, धीरे धीरे वगाड़ मारा काल जामा वागे छे टेरवा, आज टेरवा ये जे यहाँ जो अमृत होता है वो माँ की उंगली में होता है। तो हम कहते हैं कि ये पांथिये पांथिये तेल नाखे, किसी भी बाल का मूल तेल सिंचन से मुक्त न रह जाए, इसी री से तेल डालते उसको कहते हैं। और उसमें जो विघ्न आते टोला लीख वगैरह एने लई अने माँ शू करे कि आना माता में तो आंगली फेरवी छे पण बच्चा टोला मैं तेरी भी माँ हूं और तेरा मोक्ष करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए वो टेलो टोले को एक नख पर डाल करके दूसरे नख कर ऐसे करके यहाँ उंगली जीवन देती थी, यहाँ अंगूठा का नख मुक्ति देता था। तो बाणदेव जी ने कल पांथिये पांथिये तेल अने टू दी पॉइंट साहब, जो विषय सब विषय पर ही बोले ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पूरी स्वतंत्रता होती है और ये आपका अधिकार है। तो मेहता साहब ने शुरू किया, आदरणीय भाणदेव जी ने योग में पूरा किया, बीच में सब हमने पिया सुना। मैं सोच रहा था कि ये पदार्थ विज्ञान, अणु विज्ञान, योग विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, खगोल विज्ञान, जो जो विज्ञान की बातें यहाँ आई, यज्ञ विज्ञान, अर्थ विज्ञान, जो जो आए, मैं आपके साथ साथ अब बोले जा रहे थे, मेरे श्रवण को बिल्कुल केंद्र में रखते हुए गुरु कृपा से मेरे अंदर भी कुछ हो रहा था कि क्या ये सब विज्ञान जिस ग्रंथ को लेकर मैं बाउल की तरह घूमता हूँ इस रामचरितमानस में है क्या। और तब मेरा गुरु मुझे संकेत करता रहा कि बेटा ये सब विज्ञान रामचरितमानस में है। अब यहां कोई अर्थवाद नहीं है क्योंकि आप विद्वान हैं, आप मुझे कहें कि प्रमाण दो, साधार बोलो, तो आखिर एक प्रमाण माना गया है अंतःकरण प्रवृत्तया। और अभी अभी तो कुछ दो तीन सालों से मैं कहता हूं कि आखिरी प्रमाण तो तलगाजरड़ा के लिए साधु का भजन ही प्रमाण होता है, आखिरी प्रमाण। मुझे पांडेव जी बाबा
आप मेरे एकदम, हम इतने आत्मा से निकट है, सब निकट है, लेकिन ये योगी बैरखा लेकर बैठा है और मैं चाहूं मेरे देश का योगी जप करता हो उसमें, वरना योगी हो लेकिन ये भजन है, ये भजन है। निरंतर मैं देख रहा कि उसका बैरखा चालू है। मेरे कहने का मतलब कि आपने सभी ने अपनी अपनी बात, तब मुझे विचार आया कि ये सब मानस में है क्या, और मैं तो केवल संकेत करके छोड़ देता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है, अधिक खुशी इस बात की कि हमारे आदरणीय बाणदेव जी भी अब रामचरितमानस की कथा कहने के लिए चित्रकूट जा रहा है। भागवत तो कहते ही हैं हर विषय का स्पर्श करके, वो ऐसे ही मैंने जितनी बार सुना, फिर गार्गी पर बोले हो, गंगा सती पर बोले हो, यहाँ अस्मिता पर्व में बोले हो, यहाँ बोले हो, गार्गी से गंगा सती का वो श्रेय, जब भी नगिन बापा ने आयोजित किया था, जब भी सुना है, तो आप हैं। ओ, पार्टी वाले नहीं अब वो बता रहे थे कि बापू चित्रकूट राम कथा कहने जा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हुई बहुत। और अब मैं जो संकेत करना चाहता हूं, शायद वो रामचरितमानस की कथा कहते कहते आप उसको विशेष खोज करके समाज को दे पाएंगे, क्योंकि आपकी ये खोज है, आप उस क्षेत्र का विशेष शोधन करेंगे, क्योंकि मानस की कथा आप कहेंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान शिव के चरणों में बैठी पराम्बा पार्वती शिव को पूछती है, बुद्धि जब श्रद्धा में परिणीत हो गई, पहले वो ही सती दक्ष कन्या थी, बौद्धिक आयाम था उसका, लेकिन वो ही दक्ष यज्ञ में बुद्धि बौद्धिकता के बोझ में जल गई, बौद्धिकता की भड़कामा बुद्धि खत्म हो गई और हिमालय के घर अटल श्रद्धा के रूप में प्रकट हुई। पार्वती सती, उसको श्रद्धा कहते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, तब शिव को पाने के बाद कैलाश के शिखर पर वेद विदित वृक्ष पर, कई लोग मुझे पूछते हैं कि वेद में इस वृक्ष का उल्लेख है, अथवा तो कैलाश पर वडला बरगद का पेड़ है क्या, हम तो कितनी बार गए वहाँ, पेड़ हमने देखा नहीं है, शायद इन आँखों से नहीं देखा जाए, हो सकता है कोई दूसरी आँख से आई। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्र, नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णा देनी जा, शायद दूसरी आंख चाहिए जो हमारे पास नहीं, लेकिन तुलसी कहते हैं स्थूल रूप में बट के पेड़ को मत खोजो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, आपने आपनो धर्म संभालो, अपने अपनी निजता में अपने निज स्वभाव में स्थिर रहना, वो ही विश्वास का वट है, और शिव उसके नीचे बैठे हैं, पार्वती आई हैं, शिव ने सम्मान किया, शिव सन्यासियों के सन्यासी और संसारियों के संसारी है, शिव पार्वती को आदर देते हैं। पार्वती आई और कहा मेरे वाम भाग में विराजो, हमारा आदरणीय वडील मुरब्बी श्री गौतम भाई ने बहुत सुंदर बात कही कि जरा मैं ढीला हो गया था, थका था, तो कहा गया कि नजर उतारो, तो मीठू लेने नजर उतारी, एमनो अनुभव,
અને એકદમ ફ્રેશ થઈ ગયા. પણ મીઠું લેવાની જરૂર ન પડે, ખાલી મીઠું બોલે ને તોય નજર ઉતરી જાય. આ મીઠાવાળી વાત કદાચ કોઈના દિલમાં ઉતરે ન ઉતરે એમનો વડીલનો અનુભવ છે, પણ જો મીઠું બોલે ને ફ્રેશ. પાર્વતી પ્રસન્ન હૈ ઓર શિવ કે પાસ જાકર પહેલે તો આદર કબૂલ કિયા, બેઠી ફિર સન્મુખ હુઈ ઓર કહેતી હૈ મુજે રામ કથા સુનાઓ. મેં આપકો બહોત મેરી જિમ્મેવારી કે સાથ કહુંગા કે પાર્વતી ને શિવ સે ઇતને પ્રશ્ન પૂછે, નવ પૂછે હૈ એસા ભી માનતે હૈ, ઇસકે લીએ રામકથા કે નવ દિન નિશ્ચિત કર દિયે ગયે જો હો. બાકી તો હરિ અનંત હરિ કથા અનંત. નવ પ્રશ્ન ઉસમે ઉસને રામ કા અવતાર ક્યું હુઆ, બાલ લીલા ક્યાં હુઈ, ફિર વો શાદી કૈસે હુઈ, ફિર વનગમન કૈસે હુઆ, ફિર યે આખિર મેં રાવણ કો કૈસે મારા, રામ રાજ્ય કી સ્થાપના કૈસે હુઈ, ઓર હે ભોલેનાથ એક આશ્ચર્ય તો મુજે યે હે કે ભગવાન રામ પ્રજા સહિત અપને ધામ મેં કૈસે પ્રસ્થાન કર ગયે, વહાં તક કી કથા સુનાઓ. રામ કથા કેવલ કેવલ કથા હોતી, કેવલ વાર્તા હોતી તો પાર્વતી યહાં રુક જાતી, આગે નહીં પૂછતી. ઓર શિવ શરૂ કર દેતે વર્ણાનામ અર્થ સંગાનામ રસાનામ છંદ સામપી, કથા શરૂ હો જાતી. લેકિન નહીં, અબ પાર્વતી જો પૂછતી હૈ ઉસમે યે સબ વિજ્ઞાન હૈ. પુનિ પ્રભુ કહ હું સો તત્વ બખાની, જેહી વિજ્ઞાન મગન મુનિ જ્ઞાની. ખાલી ઓર અર્થ નહીં, કેવલ શબ્દાર્થ મેં હી ચલે જઈએ. એ પરામ્બા હૈ, પાર્વતી હૈ. જૈસે આદરણીય ગૌતમભાઈને શબ્દ યુઝ, અંધશ્રદ્ધા ભી નહીં અશ્રદ્ધા ભી નહીં, એ મૌલિક શ્રદ્ધા ગુણાતીત શ્રદ્ધા હૈ. યદ્યપિ ગીતાને તીન પ્રકાર કી શ્રદ્ધા કા ઉલ્લેખ કિયા હૈ, લેકિન યહાં ગુણાતીત શ્રદ્ધા હૈ. મેરા એપ્રોચ મેરા 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 મેરી માનસિકતા સદૈવ ગુણાતીત શ્રદ્ધા કી પ્રતિ ગતિ કરતી હૈ. સાત્વિક શ્રદ્ધા અચ્છી હૈ અવશ્ય, સાત્વિક શ્રદ્ધા કો તુલસીને ગાય કહા હૈ, લેકિન ગાય પણ ક્યાંક ક્યાંક મારકણી હોય છે, ગાય પણ દોહા નથી દેતી, દોહને જાય ઉસકો પેર સે હટા દેતી. યે ભી હો સકતા હૈ ગુણાતીત શ્રદ્ધા. અબ પૂછતી હૈ મહાદેવ કો, યે તો આપ કહીયોગા, યે કથા કહીયેગા રઘુકુલ કી યે પાવન કથા, લેકિન અબ મુજે इसके परिणाम रूप, उसके फलस्वरूप, उसके रसस्वरूप मुझे आप ये बताना. अब प्रभु कह हूं सो तत्व बखानी, उस तत्व का वर्णन करके मुझे बताओ. जेही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जिस विज्ञान में समस्त मुनि डूबे रहते हैं. यह विज्ञान क्या है? भगति ज्ञान એ પ્રશ્ન સુનિયે, જિજ્ઞાસા સુનિયે. ભગતિ જ્ઞાન વિજ્ઞાન વિરાગા, વર્ણ હું હે મહાદેવ, ભક્તિ જ્ઞાન વિજ્ઞાન વૈરાગ્ય, ઉસકા વિધવિધ વિભાગીકરણ કરકે ઉસકે પાંથીએ પાંથીએ તેલ નાખી આપ મુજે એ સબ વિભાગ બતાઈએ. પાર્વતી બહોત સમજદાર હૈ. આપને પૂછા કે મહારાજ મેં આપકો પૂછને મેં કુછ ભૂલ ભી ગઈ હું, તો હે કૃપાલુ આપ અપને આપકો ખોલ દીજિયેગા, મેને ન પૂછા હો એસી બાતે ભી આપ મુજે બતા દે. ક્યોંકિ ગૂઢાઉ તત્વ ન સાધુ દુરાવહી, ગૂઢ સે ગૂઢ તત્વ કો સાધુ છિપાતા નહીં, લેકિન કબ આરત અધિકારી જહ પાવહી, જહાં જિજ્ઞાસુ આર્ત જિજ્ઞાસુ આતા હૈ તો ગૂઢ સે ગૂઢ તત્વ ભી સાધુ છુપાતા નહીં. આપ મેરે લીએ કેવળ સાધુ નહીં હૈ,
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। पार्वती की छल विहीन वाणी सुनकर शिव बहुत प्रसन्न हो गए और बाणदेव बापा को मैं कहूँ, शिव ने पहला असर, शिव पर क्या असर हुई, मगन ध्यान रस दंड जोगा। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जैसे मैं आपसे प्रार्थना करूँ आप ज्यादा अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि अब मानस की कथा कहने जा रहे हैं। शिव अष्टमूर्ति है, ठीक है भगवान, शिव अष्टमूर्ति है। रामचरितमानस में उज्जैन के महाकाल के मंदिर में एक बुद्ध पुरुष ने रुद्राष्टक गाया है, अष्टक है। और मैं प्रार्थना करूं, मैं तो अपने ढंग से कहूंगा लेकिन आप ज्यादा अधिकार पूर्वक कह सकते हैं, और वो अष्टक अष्टक रुद्राष्टक है, वही पतंजलि का अष्टांग योग है। वही यम है पहले में, दूसरे में हम है, तीसरे में प्राणायाम, चौथे में प्रत्याहार, पांचवे में ध्यान, आप पूरा 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 अष्टांग। अने आखिर में अष्टांग के बाद भी योगी कितना निराभिमानी है, न जानामि योगम जपम न योगम, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जन्म दुखोकता तप्यम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभु। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे। ये पूरा पतंजलि, मैं बहुत खुश हुआ आपके आपके कोई कहने के बाद, लेकिन आपने पूरे शिव, मैंने ये पहली बार सुना, शिव मंदिर पतंजलि का अष्टांग योग है, मैंने पहली बार सुना। मैं मेरे लिए चल भाई तकलीफ क्या है कि मैं जब कहूँ ना तो कई लोग खड़े होते, उससे पहले हमने भी ये कहा, मारा बाप तारी पाए मैं नौतू सांभ्यू ने, बापू ये तो नौतू सांभ्यू पर तारा मोढ़े तारा बापा ये पण नौतू सांभ्यू, मैंने यहां से सुना। और वसंत भाई ने भी कहा था, और किसी बलदेव भाई अब किसी ने भी कहा कि हम जहां होते हैं ना वहीं से यात्रा आगे शुरू करते, क्यों परहेज क्यों, जिससे सुना है वो कबूल करो ना। साधना यदि करनी है, भजन यदि पकाना है, क्रियान्वित भजन को भावनात्मक बनाना है, तो ये शील होना चाहिए, ये शील अत्यंत जरूरी। लोग कबूल नहीं करते, और कबूल नहीं करने वाले भी यदि निखालस हो जाएं और निर्दम्भ होकर बात कहे तो उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दो दिन पहले मुझे एक पत्र मिला, पहला दिन अपना पूरा हुआ, दूसरे दिन एक पत्र मिला, उसने लिखा कि मैं संस्कृत सत्र में आया हुआ एक युवा पंडित हूं, मेरे से दो शर्त लगा दी छेल भाई, और इसलिए मैं उसका जवाब देने नहीं जा रहा हूं, मैं जवाब दे नहीं सकता, मैं किस खेत की मूली। मुझे कृष्णमूर्ति याद आते हैं, ओशो याद आते हैं, उसने कहा मैं तुम्हारे जवाब के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हारी जागृति के लिए हूं। जवाब तो दो कौड़ी के होते हैं, तर्क ज्यादा प्रबल है यू कैन, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलिए, आप बधा बोलता था मारो वाक शू से तमे वच्चे वच्चे गा नाखता था, આ સુરેશ ભાઈનું નિવેદન છે, સુરેશ દલાલ એ કહે કે આપણે વચ્ચે વચ્ચે પ્રવચન કરીએ ને ત્યારે બે ત્રણ પાશ્ચાત્ય ફિલોસોફરના નામ લેવા, વચ્ચે અંગ્રેજી એક ટુકડા, તો લોકો એમ માને કે હા આ એ મોટા વિદ્વાન છે, આપણી ઇજ્જત રહી જાય। મને આશીર્વાદ આપો, મેં કેમ્બ્રિજ મેં કથા કહેને જા રહા, કેમ્બ્રિજ મેં યાર, હા જરૂર જોવાના છે, કેમ્બ્રિજમાં જવું છે, અને પોણા ભાગનું ગુજરાતી બોલવાનું છે, યસ
फर्क इतना ही है सैयाद, तपस और आशियाने में ये तेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया है। सैयाद ने पक्षी को पकड़ा, मैंने कई बार दोहरा रहा हूं, सोने के पिंजड़े में पक्षी को रखा, जो पानी चाहे वो पिलाया, ऋतु ऋतु के फल विदेश से मंगवा कर खिलाए, लेकिन पिंजड़े में पक्षी को कैद किया, इससे पूर्व तोला वजन किया तो इतना था, एक महीने के इतने सुख के बाद पक्षी का वजन अतो कम हो गया, तो सोचने लगा कि मैंने ऋतु ऋतु के फल खिलाए और फिर भी तू सोने के पिंजड़े में आपको रखा, फिर भी तेरा वजन कम क्यों हुआ। तब तो पक्षी को बानी फूटी और पक्षी ने जवाब दिया कि फर्क इतना ही है सैयाद, कफस पांजरू कफस और आशी आने में, मेरो तरफकड़ो माड़ो मारू तलगा जड़ू। यार सबनू यो है ना यार, फर्क इतना ही है सैयाद, कफस और आशी आने में, ये तेरा दस्तूर है उसे मैंने बनाया है। तो गुजराती तो आवे जी यार, मुझे हिंदी बोलता बोलता गुजराती बोलूँ तो घना मैंने फोन करे कि बापू आपने ख्याल है कि कथा हिंदी में छे, क्या करूँ। तो एक युवा पंडित ने मुझे पत्र, उसने शर्त लगाई दी, कसम की है इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं खोलता, मेरा भी एक शील है, आप मेरे अतिथि है, यहाँ आए हैं, यहाँ कोई ने पगे पढ़ावा माटे नहीं बोलावामां आवता, अहीं मारो देश फरी वखत पग पर उभो थाय एटला माटे बोल। पगे मने केटलो संकोच थाय, तमे मने प्रणाम करो, हूँ ठीक छे तो आपनो, अने माँ बाप छोकरा ने कभा ऊपर चढ़ावे तो एमां वांधो ही शुं छे, जो ने आपणे अमे शुं करीए, कंई बनतो थवानुं नथी, तो पछी चरण स्पर्श में दो वक्त तो आंगली तूटी से, पण अरे ये तो बधु गोळ खाई चोकड़ा खमे। बाप, मैं विनय के साथ इसका जवाब देना चाहता हूं। आपने लिखा कि बापू मैं 3 साल से संस्कृत पर्व में आता हूं, लेकिन मुझे तीनों सत्र में आपके प्रति रोष आता है, इस निखालस कबूलता को मेरा प्रणाम है, मुझे आपको प्रति रोष आता है, और इसका मतलब नहीं कि मेरे दिल में भाव नहीं है, वरना तो मैं क्यों आता, लेकिन आप निकलते हैं तो मैं देखता रहता हूं, सिर भी नहीं झुकाता, प्रणाम भी नहीं करता, मेरे मन में आपके प्रति रोष है। लेकिन पत्र में मेरा नाम लिखता हूं, आप बोलिएगा मत, और मेरे प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। तो नाम तो पहला, तो मेरा विवेकपूर्ण जवाब यह है कि आप युवा पंडित नहीं है, आप बाल पंडित है, बाल पंडित है। बाल पंडित किसको कहते हैं, मानस में लिखा है। आज मेरा मन था कि हारमोनियम के साथ में गाऊं, खैर, तनुछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत आज जोगिनी बिकट मुख रजनी। भगवान महादेव जब ब्याहने के लिए नगाधिराज हिमालय के घर आए और नंदी पर सवार हैं, और छोटे छोटे बच्चे हिमाचल वासी बुजुर्ग ये जो बच्चे थे वो दुल्हे को देखने गए, एकदम भाग कर घर में आ गए, माता पिता पूछ रहे बेटा क्या हुआ, बोले दुल्हा ने शरीर पर भस्म लगाई, तनुछार ब्याल कपाल भूषण जैसा है वैसा बोलने लगे, ये कोई दुल्हा है,
हमको तो पिताजी ऐसा लगता है कि वो ही जीवित रहेंगे जिन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे, बाकी तो ये बारात थी और दूल्हे को देखकर जो जीवित नहीं रहे। लेकिन तुलसी कहते किसने कहा, लरिकन कहा, ये निवेदन बाल पंडितों का है, युवा स्यात् साधु युवा अध्यापक का नहीं है। हम कभी कभी पंडित तो होते हैं लेकिन बाल पंडित होते हैं। शंकर की भस्म ही दिखती है लेकिन ये शरीर कभी भस्म नहीं होने वाला, वो शादी करने जा रहा है, वो अमरत्व नहीं दिखा बाल पंडितों को, उसको तो तनछार ही दिखी, तनुछार ब्याल कपाल उसको तो। जैसे प्रभु आप कह रहे थे महादेव के मंदिर में कपालिक और भैरव होते हैं, क्या है ये, वो उसको नहीं देखे दिखे, उसको दिखाए कराल भूषण नगन जटिल भयंकरा। क्योंकि ये शंकर की आलोचना जो थोड़ी बच्चों के द्वारा, ये तुलसी कहते बाल पंडितों का निवेदन है, युवा पंडित का ये वक्तव्य नहीं है। मूल बात पर आऊं, आपने पूछा है इसलिए जवाब दूं। आपने पूछा कि दो दिन से मैं सुन रहा हूं कि दो तीन बुजुर्गों ने ऐसा कहा कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य, आचार्य है भगवान जगत गुरु, उसके इस सभागृह में संवाद गृह में एक दो वडिलों ने आपको भी ये कहा कि आचार्य की अध्यक्षता में, एक आचार्य की अध्यक्षता में, ये आपका उदार भाव था मुझे आचार्य, अब वहाँ तकलीफ हुई, आप कहाँ के आचार्य है, मैंने कहाँ कहा मैं तो प्राइमरी स्कूल में नौकरी करतो तो त्यारे असिस्टंटे न तो आचार्य तो मेरे लिए बड़ी दूर नगरी, लेकिन बाल पंडित को ऐसा लगा कि ये सब आपको आचार्य आचार्य। अब मूल बात, फिर उसने कहा कि आपने कोई भाष्य किया है, आचार्य तो उसको कहते हैं कि प्रस्थान त्रयी का भाष्य करे, ब्रह्मसूत्र उपनिषद भगवत, यही तो नियम है ना, भगवान रामानुज भगवान जगतगुरु शंकराचार्य के तो लिए क्या कहूँ साहब, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण, तो आचार्यों को भाष्य करना पड़ता है तभी आचार्य की पदवी मिलती है। तो आपने मुझे कहा कि आपने कोई आचार्य, ये लोग आपको आचार्य आचार्य कहते, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मौन है, मेरा मौन चल रहा है, ये तो यहाँ बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ, और मैं बोलता तो अभी क्या करूं, अब तो मूठ मार के भाई देखा ही नहीं पर डिमणा थी जाए। इसलिए रामचरितमानस के हनुमान जी महाराज के राम जी ने बहुत प्रशंसा शुरू की तो एकदम बाहों में से निकलकर भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, सुंदरकांड देखिए आप, राम उसकी सराहना करने लगे कि हनुमान तेरे ऋण से रघुकुल कभी मुक्त नहीं होगा, तूने जो हमारा काम किया है, तू रामचरितमानस के प्रंच प्राण का रक्षक है, हनुमान जी प्राणायाम है शिव के मंदिर के अष्टांग लक्षण में, तो मानस के पंच प्राण पछी अपान हो समान हो उदान हो व्यान हो जो जो प्राण हो इसके रक्षक है मानस श्री हनुमान जी, तो तूने बहुत किया हमारे लिए, अब परमात्मा अपनी बाहों में ले तो उससे निकलना कौन चाहेंगे। लेकिन जब प्रभु ने ये कहने शुरू किया तो हनुमान जी ये तो अति लघु रूप पवन सुतली ना, वो तो कभी जो भगवान कह रहे थे कल कि ये पतंजलि भगवान ने सिद्धियों की भी वर्णन जिक्र किया है, लघिमा अणिमा आदि आदि आदि, तो एकदम अति लघु रूप हो गए और भगवान के आश्लेष्य सक गए और फिर मूल रूप में भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान तो इसी तन्मयता में है कि हनुमान अभी भी मेरी बाहों में है, लेकिन वो नीचे गिर पाए, तब प्रभु को पता लगा, मारुति हाँ प्रभु मैं तेरे लिए मेरा हृदय का भाव व्यक्त कर रहा था और तू चरण में क्यों, क्योंकि महाराज आप जब हमारा बखान या तो हमारे लिए कोई विशिष्टता की बात बताने लगे तब गिरना स्वाभाविक है, अब मैं उन्नत नहीं हो पाऊंगा क्योंकि प्रशंसा तो गिराती ही है साहब, अब गिरना निश्चित है तो मैंने निश्चय कर लिया कि गिरना है ही तो दूसरी जगह क्यों गिरूं, तेरे चरणों में क्यों न गिरूं।
इसलिए त्राही त्राही हनुमान जी भगवान के चरणों में त्राहिमाम करके चरणों में गिर गए। तो आचार्य और मैं, असिस्टेंट भी मुझे नहीं होने दिया था, भाग्यश भाई आपकी जो सरकारों की जो पद्धतियां हैं इसमें 3 महीना नौकरी करूं तो 1 दिन कट कर देते थे ताकि ये आदमी कायम न हो, और मेहरबानी है इन लोगों की कि मुझे कायम नहीं होने दिया, इसलिए मैं इसमें आज कायम हूं। ब्रेक कर देते 1 दिन, क्योंकि तो सब लाभ न मिले, वरना सब माल टीए डीए डीए जो सब मिले, ये मिलता तो था लेकिन ये अंदर अंदर बांट लेते थे, उधार अकेले नहीं करते थे, जो जो होते थे सब बांट लेते थे। और साधु तो बिक जाता है, बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़। तो मुझे पूछा, मैं यहाँ बैठे होंगे, मैं जरा अभी मन में ऐसा नहीं, आपने कहा इसीलिए जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा कि आपने कोई भाष्य किया, मैं क्या भाष्य करूँ, मैं तो अनुभव कहूँ। जब तक मेरे गुरु कृपा की महसूस ही है, भाष्य क्या करूं, और भाष्य अब करने की जरूरत क्या है। आपने कहा 200 भाष्य 200 कहा ना 300 भाष्य पतंजलि भगवान के योग सूत्र पर, और आप सभी एक एक ग्रंथागार है, सब वास्तव में सजीव ग्रंथागार, कितने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय और करके आप यहां आते हैं, और हमें तो स्विच दबाते हो और प्रकाश हो जाता है, लेकिन द्वारण तो आप है, कहां से कहां ये सब आप निकाल कर निचोड़ करके लाते हैं, आपका अनुग्रह। तो हम क्या भाष्य करें साहब, लेकिन तलगाजरड़ा ने भी ये तीनों का भाष्य किया है, यदि उसको भाष्य कहना चाहो तो, मैं नहीं चाहता लेकिन पूछा है तो कहूं। ब्रह्म सूत्र का तलगाजरड़ी भाष्य है सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम परम भगवत। पूरा ब्रह्म सूत्र क्या कहता है, सत्य के इर्द गिर्द में तो घूम रहा है, किसकी जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहीं से शुरू होता है। और ब्रह्म क्या है, राम ब्रह्म, राम ब्रह्म, राम ब्रह्म, राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। छोटा सा भाष्य है तलगाजरड़ा का, बाल पंडित, उसका नाम है सत्य, और उपनिषद का छोटा सा भाष्य है जिसका नाम है प्रेम। निकट कौन बैठने दे, जिसको हमारे प्रति प्रेम हो वो ही बैठने दे, उपनिषद का अर्थ ही है सन्निकट बैठना। मुझे विजय भाई के साथ मोहब्बत है तो मैं हाथ पकड़ कर को, विजय भाई यहाँ आओ, यार हमने हूँ शिक्षक खरो, प्रैक्टिकल नहीं टेव खरी, पण आओ नो प्रैक्टिकल आपनी साथे न कराई साहब, ताकि हमने तो लेसन आप जता बुध प्रेक्टिकल हेतु कथन कढ़ावता मारी नाख्या हमने साहब, અને પગાર ખાલી 127 રૂપિયા જ આપ્યા, એમાં એ નોકરી કટ કટ કટ, ઓલા જેમ પિક્ચરમાં સીન કટ કરે એમાં, ભવાઈના ગાણા જેમ કટ કરે અમારા ગામડાઓમાં। જિસકે પ્રતિ પ્રેમ હોતા હૈ વહી હમે નિકટ બેઠને દેતા હૈ, અથવા તો ઉસકે નિકટ બેઠને કા મન હોતા હૈ। ઉપનિષદ ક્યા હૈ, નિકટ બેઠાના, બેઠો, ઇસીલિયે तलगाजरड़ी भाष्य कहेगा उपनिषद प्रेम है, क्योंकि निकट बैठने थे, वहां व्याख्या की भी जरूरत नहीं, वो बोले न बोले। रमण महर्षि ने एक विदेशी, ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं खबर नहीं, मैं महर्षि के आश्रम में जब कथा गा रहा था तब, मानस महर्षि, तब मैंने एक उसके बहुत पुराने साधक से सुना कि बापू एक बार एक जर्मन आदमी ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मौन क्या होता है, तो भगवान ने कहा वाणी के फूल का नाम मौन है, मौन है
वाणी रूपी पौधे का पुष्प दिखाई नहीं देता, उसकी खुशबू ही लेनी होती है। रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार रहने दो, कोई नाम ना दो। मेरे कहने का मतलब, कोई उपनिषद समझाए न समझाए, यहां तो अभी अभी जो तैतरी उपनिषद का जो पाठ यहाँ आया, जो दीक्षांत समारोह में दिया जाता था, ये परंपरा हमारे डोलर भाई माकड़ बापा ने अलियाबाड़ा दीक्षांत प्रवचन में जब यही पाठ उठाया जा, ऐसा आदेश ऐसा उपदेश की जो बात होती थी। तो प्रेम उपनिषद का मेरी दृष्टि में भाष्य है। इस छोटी सी उम्र में कितना कितना पढ़ेंगे, कितना 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 हम रख पाएंगे। आपने ठीक कहा भगवान कि बहुत ऐसा करने वाले आखिर में पागल हुई है, उलझनों में खुद उलझ कर रह गए वो बदनसीब। पारसा जयपुरी का शेर सुनिए साहब, उलझनों में खुद उलझ कर रह गए वो बदनसीब, जो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने लगे। परमात्मा सुलझी हुई जुल्फ नहीं है, रघुपति भगति करत कठिनाई। ये तो साधना मांगती है। जो लोग उनके रहस्यों को खोलने गए खुद उलझ कर रह गए वो बदनसीब, जो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने गए। वहां पंडित नहीं पहुंचे, तेरे दीवाने गए। वहां दीवाने कभी कबीर पहुंचे, वहां कभी नानक पहुंचे, बिल्कुल पहुंच गए। मेरे कहने का मतलब, निकट बैठ जाना ये प्रेम के बिना संभव नहीं। इसलिए उपनिषद का भाष्य है मेरे लिए, ये आपके लिए नहीं। या तो प्रश्न का जवाब आग्रह करके मैं कहा कि आप दीजिएगा, फिर पूरा पत्र का तो पाठ मैंने कंठस्थ कर लिया है। क्या बहु याद रहे एम तो लिख्यू कि हिम्मत हो तो जाहिर में जवाब आपजो। हिम्मत थी नहीं साहब, साधु तो हारेलो हो मारा बाप। साधु को किसको जीतना है, किसको जीतना है। बाकी तो मैं गाता ही रहता हूँ, हमारे बाबा जी बैठा है उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये सब बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना, कहीं पल विजड़ी ने चमकारे जे मोतीड़ा परोवा माटे आपड़े आया छे साहेब। क्या कहा, पढ़ो वीती न जाए। एक दूसरे की आलोचना में, एक दूसरे के प्रति पूर्वग्रहों के कारण, द्वेष के कारण कहीं हम खो न बैठे। बाकी तो ये चलता ही रहता, एक वस्तु पात्र वही का वही रहता है, समय समय पर भरने वाले बदल जाते हैं। चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे कोई भी हो, अंदर द्वेष निंदा ईर्षा भरने वाले बदल जाते हैं, बाकी पात्र तो वही के वही बदलते। तो उपनिषद है प्रेम, ब्रह्म सूत्र है सत्य, और भगवत गीता है मेरे लिए करुणा। करुणा न होती तो कृष्ण सारथी न होता। योगेश्वर कृष्ण, अर्जुन कान पकड़ रहा है, मुझे माफ कर देना गोविंद, क्योंकि सखे इति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इति मुझे माफ करना, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन। अजानता मैंने तुम्हें सखा माना, तुझे गालियां, तुझे टाना मारा, तुझे वो किया, तू मैं किया, लेकिन अजानता उसी को मेरा नरसी में तो नागरो जूनागढ़ में एम कहे कि हमें अपराधी काई न समझा, न ओळख्या भगवंत ने, हमें अपराधी काई न समझा। यही भाष्य, ये मैं तो वही बात अपनी बोली में, नागरी बोली में, दामोदर कुंडी बोली में, भवनाथी बोली में, गिरनार की उतंग बोली में, मैं लास्ट कथा में कहकर आया हूं कि गिरनार मेरे लिए सत्य है। यस, हिमालय का दादा का दादा का दादा है नरोत्तम बापा, प्रमाण के साथ कहते हैं, प्लान बापा कार्बन टेस्ट के साथ कहते हैं कि गिरनार गिरनार, और जो बहुत शाश्वत हो वही तो सत्य है। राणक देवी ने वक्ते छेल भाई खड़े खांगो थयो, एवं कंक से हे
बाकी गिरनार कोई दी खांगो न थाय, हिमालय माथी बर्फ हजी पड़ी जाए बाकी गिरनार खांगो नथी तो सत्य है मेरे लिए, गिरनार सत्य है, द्वारिकाधीश मेरा प्रेम है, अने सोमनाथ करुणा है। तो गीता सारथी बनने के लिए तैयार हो जाए, कृष्ण करुणा बिना कैसे हो सकता है? हथियार नहीं लूंगा, निहत्था रहूंगा, और वही करुणावश होकर अर्जुन के लिए दुनिया की ऐसी तैसी करके चक्र पाणी बनकर रथांग पाणी बनकर जब कूदता है तो करुणा नहीं तो क्या है। और युद्ध के घमासान तुमुल आवाजों के बीच जो बिल्कुल चैन से 700 श्लोकों में गीता का अमृत पिलाए, वो करुणा न होती तो कहां से होता? तो गीता है करुणा, उपनिषद है प्रेम, ब्रह्म सूत्र है मेरे लिए व्यक्तिगत। तो अब मैं बाल पंडित नहीं कहूंगा, मेरे दोस्त आते रहना, और मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, मुझ पर कायम रोष करते रहना, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। पांडेव जी बापा ने कल कहा कि बाहर भोग अंदर योग, क्रोध तो बाहर होता है भीतर तो बोध होता है, यही तो जीव शिव का पार्थक्य है, यही तो तफावत है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जैसा है वो कह देना। मैंने पहली बार, शिव मंदिर अष्टांग का प्रतीक है ये पहली बार आपसे सुना है, और अब मैं जब भी कहूंगा, आप टीवी पर मुझे सुने न सुने, आप ये समय हो न हो, ये समय कब मैं बोलूं क्या, लेकिन मैं जब बोलूंगा तब बाणदेव जी को याद करके बोलूं, क्योंकि इतना शील तो होना चाहिए ना। गंगा सती बलवंत साधु ने पगे लगवानी मना करी है, पर शीलवंत साधु ने पानबाई वारे वारे नमी है। शील ही तो हमारी मूड़ी है, शील ही तो हमारा अभिमान न आने दे ऐसा बल है, शीलयुक्त बल। तो कई लोग कहते हैं, इससे पहले हमने भी ये कह दिया था, हसे मारा बाप मने मुख कि तू हो सकते, हाँ तो सब व्यासनु ऐठूच खाई है ना साहेब, बता जो व्यासनु ऐठूच है ना, मा मा कौन, आ तो परंपरा है। अर्जुन कहे छे, कृष्ण कहू का तो परंपरा, सूर्य मनु ये, मनु ये इक्ष्वाकु ने, इक्ष्वाकु फलाने फलाने फलाने, ये इसी परंपरा में अर्जुन मैं तुझे कह रहा हूं। और अर्जुन चौंक गया, अपरम भवतो जन्म, हे भगवान जरा शंका पड़े, तू कहता है सूर्य को कहा तो तू तो मेरे साथ जन्मा है और ये सब कैसे के? तब कहते बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं, तू जानता नहीं है, मैं जानता हूं केवल, ये कृष्ण का वचन है। तो बहुत प्यारी बात, तो रुद्राष्टक अष्टांग योग है। यस, अब तो मैं भी अपनी अदा से बोलूंगा, लेकिन आप ज्यादा बोल सकेंगे क्योंकि आपका योग का इतना अभ्यास है, आपने तप किया है, स्वाध्याय किया है, तो इसको तो सब जानते हैं, तो आप ज्यादा उस पर प्रकाश पड़ेंगे। बेटा कहाँ, रवि आयो, रवि गया, अच्छा अच्छा, यानी यात्रा सफल हो, यात्रा के लिए शुभकामना। उसने कहा गायत्री मंत्र, गायत्री विज्ञान, 24 अवतार जो हुए हैं, ये 24 अवतार जो एक एक हैं, गायत्री के एक एक अक्षर का अक्षर ब्रह्म है, 24 अक्षरों में है ना गायत्री मंत्र, जिसे नवनीत भाई ने विश्व मंत्र कहा। नवनीत भाई है कि गए, गए नवनीत भाई ने कहा ना विश्व मंत्र, नवनीत भाई बैठ, नवनीत वात्सल्य आनंद कराया साहब आपने, ज्यादा बोलते तो अच्छा लगता हमें, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, आपको संकोच होता होगा, आपने 2-3 बार बीच में कहा, मुझे बुरा तो नहीं लगा लेकिन अच्छा भी नहीं लगा, और वो ये कि बापू और 2-4 को छोड़कर हम सब काम से बच, ये वो काई न थी। यहाँ बदा तुलसी कहता है, भय काम
बस जोगी इस तापस पाव रन की को कह। बड़े बड़े योगी नहीं, योगीश, भय काम वस योगीश तापस पामरन की को कहे। देख ही चराचर नारी मई जे ब्रह्म मई देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष मई जग पुरुष सब अबला मयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। मनो अमारो छोकरो युवान गए वक्त काम पर सरस दर्शन दी गया था। हाँ बहुत अच्छा बोला था। हाँ ये बद्धा आपड़े अमा छे, ये तो तमे हारू लगाड़वा कहो, कहे कि हूँ कहीं चढ़ू एम नथी कि तम मन चढ़ावो, ये बापू सिवाय बधा तो आपड़े बद्धाज। रस किसको नहीं चाहिए? भगवान ने कल आठ आठ मुद्दे कहे, प्रेम सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, शक्ति सबको चाहिए, ज्ञान सबको चाहिए, कहा ना आपने, ये सबको चाहिए ऐसा आपने बताया। बाबा कहो, हाँ यार आप कहो तो कहो, ये महात्मा हमें कहते रहते कि मेरी गति तो गर्लफ्रेंड तक है। ऋषि पंचमी के सुबह का ये सूत्र है, लेकिन उर्दू में एक सूफी ने कहा है कि मेरा सर वहीं झुका है जहां खत्म बंदगी है, मैं उसी स्थान पर पहुंचा हूं कि उसके बाद जहां कोई बंदगी की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे आदमी सदगुरु के पास पहुंच जाए और उसको फिर आगे उसकी दौट मिट जाए, तो सदगुरु ही उसकी मुक्ति है और मुझे कोई आपत्ति नहीं। केवल गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाओ ना, लेकिन उसके बाद दौट नहीं होनी चाहिए। गौतम बापाए हमणा कहू कि कौन गुरुजी जो गगन आकाश गमन भी करते थे, आ जो ना। हाँ जी जी, ये विद्या हमारे पास रही है? लेकिन हमारो अभाव गगन गमन ज करे है रोज। 100 साल की बाद में गगन विहार की सिद्धि मिलती होगी 5,000 रुपये में, अहमदाबाद से दिल्ली गगन गगन में रम्मा ने आओ। लामू ठाकुर रामकृष्ण कहा करते थे कि भाई तूने जो सिद्धि में सागर पर उतरने की जो बात कही, वो मेरा दूध वाला ये काना में कर देता है, यहां से आता है यहां से जाता है। तो बाप बोले मेरी पहुंच तो गर्लफ्रेंड तक है, रूप वालों का रूप परमात्मा है, वहीं हो, वहां होकर समाप्त हो जाए तो मेरा सर वहीं झुका है जहाँ खत्म बंदगी है, वहाँ कोई को विधि को निषेध। लेकिन आना हलवा अर्थो करी ना पड़े जपटू नो बोला भाई, आ बहुत ऊंची ऊंचा सूत्र है। तो मेरे कहने का मतलब गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर ये 24 मानो 24 अवतारों की प्रति संकेत करता है। पदार्थ दर्शन रामकथा का, अणु दर्शन, ब्रह्मांड दर्शन की बात पांडे साहब ने कही, और अभी आपने इंडे ब्रह्मांड पिंडे ब्रह्मांड की बात कही, ठीक है। और मानुष क्या कहता है, उदर माज सुन अंड जराया, हे खगपति भगवान राम छोटे थे उस जमुहात लेते, उसने दशरथ के आंगन में मुख खोला और उसी समय काकभुसुंडी कहते हैं मैं उसके मुख में चला गया और हे गरुड़ मैं क्या बताऊं, परमात्मा के उदर में मैंने अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा की। आखो ब्रह्मांड प्रकरण छे मानुष के उत्तरकांड में, तो ब्रह्मांड विज्ञान भी वही है। पदार्थ क्या और प्रेम में कितना अंतर है वो पूरा प्रतिपादन अयोध्या कांड करता है। राज्य पदार्थ है, समर्पण प्रेम है, उसका पूरा क्या है। आरोग्य सब सुंदर सब विरु शरीरा, राम राज्य में सब सुंदर सब निरोगी सब, ये था तो आरोग्य। खगोल शास्त्र ब्रह्मांडी शास्त्र है ऐसा,
कितना बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। बिनु अवकाश की नभ बिनु पावई, किसी साइंटिस्ट को दे दीजिए सूत्र कि आकाश नभ के बिना आप कभी अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। और तुलसी कहते हैं वही शून्यता, वही स्पेस से ऊपर जाना जहां कोई किसी को छू नहीं सकता। आज हम अनुभव करते हैं कि स्पेस में गया आदमी तैरता है, किसी को छू नहीं सकता। बिनु मही गंध की पावही कोई, सभी वैज्ञानिक सूत्र मानस। ब्रह्मांड विज्ञान भी है, गायत्री विज्ञान भी है, योग विज्ञान भी है, पदार्थ विज्ञान भी है, यज्ञ विज्ञान भी है, ठीक है। तो आप जब बता रहे थे तब नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मतिमंजल महात्मा। बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आई, घणु बोलियो, लगभग एक कलाक, खबर नहीं पौणो कलाक कलाक तो बोलियो हूँ। बोलवानो आनंद से, मूंगा रहवानो आनंद से, हर हाल में खुश रहो साहब, हर हाल में खुश रहो। और एक वस्तु कह दूं, जो दास होता है ना उसी को ही बापू होने का अधिकार है।